मैं हुसैन सुल्तान, रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम मौजूद है तनवर नगर का जो नाका है वहाँ पे मौजूद है। दरअसल यहाँ पे आने का कारण ये है कि जो MIM के जो ट्रेजर है जावेद सिद्दीकी, उन्होंने यहाँ पे तमाम मीडिया को यहाँ पे बुलाया था। उसका कारण ये है कि उमरा शहर में बहुत सारे यहाँ पे बैनर लगाए गए हैं और हाल ही में हमने देखा कि जो जितेंद्र अवार्ड ने जिस तरीके से टिप्पणी की थी उसको लेकर भी काफ़ी यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया, और उसी विरोध प्रदर्शन को लेके जन विकास फाउंडेशन की ओर से दारुल फला मस्जिद के पास एक बैनर लगाया गया था, जिसमें वहाँ पे उन्होंने उसकी सख्त मजम्मत की थी। इस तरीके का बैनर लगाने के बाद फौरन ही यहाँ पे मनपा और पुलिस प्रशासन ने उस पर कार्रवाई करके बैनर को उतार दिया। उसी को लेकर यहाँ पे जो MIM के नेता है जावेद सिद्दीकी, उन्होंने कमिश्नर के यहाँ पे को मेमोरेंडम दिया है और वहाँ पे उन्होंने मांग की थी, जिस तरीके से मुमरा शहर में जो अवैध तरीके से जो बैनर लगाए गए हैं पूरे मुमरा कौसा में, हमने देखा कि जगह जगह यहाँ पे सिर्फ बैनर बाज लगाए जाते हैं, उसी को लेकर उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई उस पर होगी तो तमाम बैनर लगाने वालों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए और मनपा तमाम बैनर निकाले। इसी को लेकर यहाँ पे जावेद सिद्दीकी ने तनवर नगर परिसर में यहाँ पे बुलाया था, और हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे बहुत सारे आसपास में बैनर भी लगाए गए हैं, उसी को लेकर क्या जानकारी दी है आइए बताते हैं हम। हमारी इस खबर में जावेद सिद्दीकी ने मिलने के बाद, कमिश्नर से मिलने के बाद क्या कहा भाई, किस मामले को लेकर आपने TMC कमिश्नर से मुलाकात की, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। सबसे पहले आप जैसे सच्चे सहाफ़ी लोगों को मैं बहुत बहुत जो है मुबारकबाद देता हूँ, क्यों कई दिनों से चल रहा है कि मुमरा में कुछ जो है गोदी मीडिया है। ये मुझे जो इस बात को बहुत बड़ा अफसोस है कि सब लोग नहीं गोदी मीडिया है, आप जैसे लोग मुमरा शहर की तरक्यात की बातें कर रहे हैं। आज मैं इसलिए आपको यहाँ पे बुलाया हूँ कि काफ़ी दिनों से, और इस हफ्ते में जो हमारे शहर में औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की शान में जो किसी राजनेता नहीं बल्कि यहाँ के जो स्थानीय आमदार थे उन्होंने टिप्पणी किया, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप टिप्पणी जो किए हैं तो आप ये 200 साल 300 साल पुरानी बात आपको याद क्यों आई? सबब क्या? इसका मतलब तुम देश में जो है हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हो, ये स्पष्ट हो रहा है। तो इसी संबंध में हमारे शहर के जो जन विकास फाउंडेशन ने जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का एक बोर्ड लगाया गया था दारुल फला में, आपको पता होगा, तो म्युनिसिपैलिटी ने वहाँ तत्काल आके उसको निकाल दिया गया। तो मैं उसी संबंध में कल जो है थाने महानगर पालिका कमिश्नर को जाके मुलाकात किया और उनको सबूतों के आधार पे कहा कि देखिए मुमरा शहर में जो सत्ताधारी हैं उनके फोटो बैनर जो है पूरे गलियों गलियों में बेबुनियाद लगे हुए हैं, उनको क्यों नहीं उतारा गया? तो उनको मैंने जो है जजमेंट दिया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कि अगर थाने महानगर पालिका की जगह है वहाँ पे जब तक थाना महानगर पालिका परमिशन नहीं देती है, उसका पैसा नहीं भरती है, तो वहाँ कोई नहीं लगा सकता है। अगर वो जन विकास अघाड़ी का बोर्ड उतारा गया है, इसी तरह से सारे NCP के बोर्ड उतारना चाहिए, क्योंकि वो कायदा में बसत नहीं। तो हमारी इसीलिए आप लोगों को बुलाने का मकसद है कि हमने कमिश्नर जी को कल जो है जाके कानून कायदे के ऊपर जो उनको पत्र दिया कि तत्काल यहाँ पे कार्रवाई होना चाहिए, किसी पार्टी का बैनर फोटो नहीं लगना चाहिए, अगर लगेगा तो सभी का लगेगा। अगर NCP का पार्टी का बैनर फोटो लगता है तो मैं उनको बताना चाहता हूँ जो 15 साल से इस शहर में मुमरा प्रभाग समिति में अधिकारी बैठे, क्या उनके रिश्तेदार ये लग रहे हैं? और इंशाल्लाह जो ये देखिए वहाँ पे घास वाला कंपाउंड के पास एक बहुत बड़ा स्क्रीन लगा हुआ है, वो भी झूठा है, उसकी भी तकरार किया था, उसकी जांच हो गई है। इस बात को जो हमारे शहर में आज जो उथल पुथल चल रहा है उसको बंद करने के लिए मैंने कमिश्नर को पत्र भी दिया और उनको जाके खुद स्वयं बात किया कि साहब ये जो बैनर फोटो के ऊपर राजनीति खाली कर रही है NCP, वो उसको निकालना चाहिए और कानून में काम करना चाहिए। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि सारे बैनर हम पूरे गलियों के निकालना चाहिए। हमने ये देखो सब लेटर के साथ में उनको कि भाई ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये जगह किसकी है, ये म्युनिसिपैलिटी है, यहाँ म्युनिसिपैलिटी का मोनोग्राम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमने ये सारा सबूत के आधार में हमने उनको
बताया कि ये अधिकारी मिलके जो है एनसीपी चला रही है, इनको ख़त्म करना चाहिए। दूसरी बात आपको बताना चाहिए, कमिश्नर ने हमें कहा कि हो सकता है वो नगर सेवक का फंड से है, तो हमने उनको जवाब दिया कि जिला नियोजन महाराष्ट्र शासन का एक पत्र है जो ये यहाँ पे बैनर फोटो लगा है, सुशोभीकरण जो है सुंदरीकरण बनाया गया है, ये नामंजूर है, कोई मंजूरी नहीं किया गया। फिर उन्होंने कहा हो सकता है नगर सेवक, तो हमने उनको वो भी बताया कि ये थाने महानगर पालिका ने दिया है कि ये भी जितने भी बैनर फोटो लगे हैं इसके लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं है, ये सर्व निरंग है, मतलब वो बेबुनियाद है, गलत है। तो उन्होंने तत्काल लाल पिन से आदेश दिया कि मुमरा शहर में जितने भी बैनर हैं इलीगल तरीके से, जब जन जो एक संस्था का वोट उतारा गया उसी तरह ये सब वोट उतारना चाहिए, यहाँ गलत काम नहीं होना चाहिए। देखिए, इसी चर्चे को हमने देखते हुए थाने महानगर पालिका को कि अगर कायदे में ये लोग बैनर फोटो और प्रवेश द्वार बना सकते हैं, तो हमने भी पत्र दिया है शरीफा रोड, किस्मत कॉलोनी, तनवर नगर और आपको चांद नगर, चार जगह हमने परमिशन मांगा है। हमने कहा है कि अगर ये सब हटाया नहीं गया तो हमारी पार्टी का, असद वसी साहब का और हमारे यहाँ की पूरी टीम का, हम भी प्रवेश द्वार बना के फोटो लगाएंगे। अब बहुत बड़ी लड़ाई है कि कायदे के ऊपर जो है हम उसी के ऊपर लड़ाई लड़ते हैं।